सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल के सब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि आप वर्डप्रेस के साइट में कैसे आप गूगल एडसेंस के लिए अपने साइट को अप्लाई कर सकते हो। गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब गाइस मैं यहाँ पे लॉग इन हूँ गूगल एडसेंस पे। अब गाइस जैसे आप पूरा स्टेप फॉलोअप कर लेते हो, अगर आपने आप नया अकाउंट बनाए हो अब गूगल एडसेंस का, तो गाइस आप सभी को करना क्या है, अगर आप साइन अप कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आप सभी को है ना, जब भी आप गूगल देखो यहाँ पे है ना, प्रोसेस अलग है गूगल का, यूट्यूब के साथ प्रोसेस अलग है और ब्लॉगिंग के साथ प्रोसेस अलग है। हालांकि ये चीज़ मैं आपको वेबसाइट के लिए बता रहा हूँ, ब्लॉगिंग के लिए बता रहा हूँ, बाकी यूट्यूब के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज बना के रखे, हमारे प्ले लिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को करना क्या है, आप सभी को है ना डायरेक्टली अपने जो भी एडमिन पैनल है, एडमिन पैनल पे आ जाना है और एडमिन पैनल पे आने के बाद आपको है ना यहाँ पे अपनी आपको कुछ प्लगइन्स ऐड करने, एक प्लगइन आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सारे वेज हैं, दो वेज है जहाँ से आप है ना इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं आप सबको सबसे ईजिएस्ट मेथड बताऊँगा जो कि आपको प्लगइन से करना है। आप ऐड पर प्लगइन पे जाओगे, न्यू प्लगइन ऐड करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, न्यू प्लगइन ऐड कर लो और प्लगइन का नाम गाइस यहाँ पे आपको इनसेट फोटर एंड हेडर, आपको है ना फोटर और हेडर का नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उस प्लगइन को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है और एक्टिवेट करना है। तो चलो मैं यहाँ पे आप सभी को करके दिखा देता हूँ, इनसेट हेडर एंड फोटर करके आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो प्लगइन है आप देख सकते हो, यही ये प्लगइन है, इसको मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है। ठीक है, अब गाइस मैंने इसको ऐड करके रखा है, एक्टिवेट करा है और नीचे आप सभी को है ना इसको जो भी प्रोसेस रहेगी ये सारा डिटेल्स मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ कि आप अपने साइट्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब गाइस ये टोटली वर्डप्रेस के लिए, ब्लॉगर के लिए कोई दूसरी मेथड है। अगर आप सभी ब्लॉगर पे है ना अपनी साइट को रन करना चाहते हो तो बस आप है ना रन कर सकते हो, बस आपको 700 से 800 रुपया एक साल में आपको खर्च करने पड़ेंगे और अच्छी आर्टिकल आप लिख के पैसे अच्छे खासे कमा सकते हो। ठीक है, तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आप सभी को। ये टोटल मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जो भी प्लगइन से मैंने यहाँ पे प्लगइन इसको ऐड करके रखा है, इसको मैंने एक्टिवेट करा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इनेबल ऑटो अपडेट्स भी कर सकते हैं, आप लोग इसको अगर इनेबल ऑटो अपडेट्स करते हो तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, वेल चलो अब आपको प्लगइन पे जाना है और प्लगइन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको इनसेट हेडर एंड फोटर्स का आपको है ना ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करते हो तो ये जो स्क्रिप्ट वाला आपको है ना स्क्रिप्ट इन हेडर में आपको है ना सबसे ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखो किसी मेथड्स में क्या होता है कि आप सभी को यहाँ पे हेड के नीचे पेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप है ना ये जो मेरा यहाँ पे शो कर रहा है आप सभी को, ये चीज़ मुझे इसलिए दिखा रहा है कि मैंने लास्ट टाइम भी है ना मेरा ये जो गूगल एडसेंस के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये मेरा सेकेंड टाइम है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम का कोड है, तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल ए करके डिलीट कर दूंगा और जहाँ से मैंने एडसेंस से जो कोड कॉपी करा था, जो भी फर्स्ट टाइम अगर आप साइन अप करते हो तो आपकी साइट को ऐड करना रहेगा है ना, उसको ऐड कर लो, उसके बाद आपकी कंट्री चूज कर लो, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद साइनअप कर लो अपनी जीमेल आईडी से, ऐसे करते हुए आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड को कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया कि कौन से प्लगइन आपको यूज़ करना है। अगर आप ब्लॉगिंग के फील्ड में हो तो आप समझ ही सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ है ना, आप सभी को इतनी लंबी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही पाओगे अगर आप ब्लॉगिंग फील्ड में स्पेशली वर्क कर। अगर आप टोटली बिगिनर हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, मैं आप सभी को पूरा गाइड करूँगा और आपकी है ना साइट को भी मैं ही डिज़ाइन करके दे दूँगा। ठीक है, ओके तो यहाँ पे आप सभी को ऐड कर देना है, पुराने जो भी है ना रहेंगे आपकी, अगर सेकेंड टाइम आप अप्लाई कर रहे हो तो डिलीट कर देना फर्स्ट वाला को, अगर आप न्यू हो तो ये वाला यहाँ पे आपको ऐड कर देना, या फिर आपको यहाँ पे और भी HTML कोड्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको हेड के नीचे आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो सिर्फ मुझे यहाँ पे कोड ऐड करना है, स्क्रिप्ट इन हेडर पे आपको कोड को है ना बस कॉपी करना है वहाँ से और पेस्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सेव कर देना है, इसको सेव करने के बाद आपको फिर से है ना गूगल एडसेंस पे जाना है और गूगल एडसेंस पे जाके आई हैव पेस्टेड का एक आपको टिक बॉक्स मिलेगा है ना,
उस बॉक्स में आपको क्लिक करना है, और उस बॉक्स में क्लिक करने के बाद आप सभी को आपको वहाँ पे है ना ओके कर देना है। जैसे आप वहाँ पे ओके करते हो तो जो भी आप बोल सकते हो, जो भी क्रॉलर रहेंगे गूगल एडसेंस के, वो वेरीफाई करेंगे कि मेरे साइट में वो कोड पेस्ट करा गया या नहीं, है ना। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया, और आई हैव पेस्टेड में है ना यहाँ पे माई साइट पे क्लिक करता हूँ और डन करता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, द कोड वॉज फाउंड, देख सकते हो। अब गाइस यहाँ पे उसको कोड मिल चुका है और ये है ना मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ टाइम लेगा गूगल एडसेंस मेरे साइट को रिव्यू करने के लिए। अगर आपके साइट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी 2 या 3 दिन के अंदर हो जाएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो लगभग आपका 1 महीने मिनिमम डेट 1 महीना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि आप कैसे गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो अपने वेबसाइट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट कर लेना या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना जाके, मैं आपको 100% गाइड करूँगा और आपकी साइट को मैं ही डिजाइन करके दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, टिल देन बाय, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ।